नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति वर्मा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी का ये खास प्रोग्राम आज का इतिहास, जहां हम बात करते हैं रोजाना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज का इतिहास। तो 1923 में आज ही के दिन भारत के मशहूर तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था। जी हाँ, किशन महाराज तबला उस्ताद होने के साथ साथ उम्दा मूर्तिकार, चित्रकार और ज्योतिष के ज्ञानी भी थे। वहीं किशन महाराज को पद्मश्री, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। 1926 में आज ही के दिन बांग्ला फिल्मों के महानायक उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। जी हाँ, उन्होंने 1945 से 1980 के बीच करीब 217 हिंदी और बांग्ला फिल्मों में काम किया और 1967 में जब भारत सरकार ने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर की शुरुआत की थी, तब उत्तम कुमार पहले अभिनेता थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। वहीं 1984 में आज ही के दिन फिलीपींस में एक भयंकर चक्रवात आया था जिसमें जान माल की भारी तबाही हुई थी और इस तूफान में लगभग 4,500 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 लाख लोगों के घर तबाह हो गए थे। और 1992 में आज ही के दिन भारतीय महिला पहलवान साक्षी का जन्म हुआ था। जी हाँ, साक्षी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। वहीं 1998 में आज ही के दिन स्विस एयर का न्यूयॉर्क से जिनेवा जा रहा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में विमान में सवार सभी यात्री मारे गए थे। ये दुर्घटना जहाज के कॉकपिट की वायरिंग में खराबी के चलते आग लगने की वजह से हुई थी। वहीं 1875 में आज ही के दिन अर्जेंटीना में पोलो के खेल की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की गई थी। वैसे तो पोलो 6 ईसा पूर्व से ईरान में खेला जाता था लेकिन पोलो को द स्पोर्ट्स ऑफ किंग यानी कि राजाओं का खेल भी कहा जाता है। वहीं अर्जेंटीना के जरिए ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ इसलिए अर्जेंटीना को नेका ऑफ पोलो भी कहा जाता है। और 1939 में आज ही के दिन फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी के खिलाफ एलाई ग्रुप बनाकर युद्ध का ऐलान कर दिया था और इसी युद्ध ने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। और सन 301 में आज ही के दिन दुनिया का सबसे पुराने गणराज्य सान मरिनो की स्थापना हुई थी। जी हाँ, सिर्फ 61 स्क्वायर मीटर्स में बसा ये देश इटली के पास है और इस देश की कुल आबादी 30,000 है और इस देश की सेना दुनिया की सबसे छोटी सेनाओं में से एक है। तो फिलहाल भारत न्यूज टीवी के स्पेशल प्रोग्राम आज के इतिहास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे कल के स्पेशल प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी और इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।